नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि अदालतों के फैसलों के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर उनका पालन नहीं करना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? क्योंकि मैं जब भी ऐसी खबर दिखाता हूँ तो आपका प्यार ज्यादा नहीं मिलता है। खैर, चलिए आपकी रुचि वाली खबर आपको बताता हूँ। ये भी खबर महत्वपूर्ण है। अयोध्या में दंगा करवाने के लिए जो प्लानिंग की गई थी वो भी लोकतंत्र की सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। खबरों के अनुसार अयोध्या में अराजक तत्वों की ओर से एक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी लिखी बातों के कागज शहर की दो मस्जिदों समेत 3 स्थानों पर फेंके गए थे। मांस के टुकड़े भी फेंके गए थे। आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सर पर जालीदार टोपी भी लगाई थी। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बुधवार की सुबह इसकी जानकारी होते ही अयोध्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तेजी से हरकत में आ गए और किसी अनहोनी की आशंका को समय रहते टाल दिया। जैसा कि आप जानते होंगे कि अयोध्या पुलिस ने बताया था कि मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने कहा था कि आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहाँ पे उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद हैं, कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। और इस तरह से इस पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था। ये खबर यहीं खत्म नहीं होती। इस खबर का अहम मुद्दा ये है कि वास्तव में इस घटना का मास्टरमाइंड है कौन। खबरों के अनुसार अयोध्या में धार्मिक भावनाएं भड़का दंगा कराने की साजिश में शामिल आरोपियों में सबसे बड़ा किरदार महेश कुमार मिश्रा का है। महेश कुमार मिश्रा ही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। महेश मिश्रा पर साजिश को अंजाम देने के लिए भड़का कर लोगों को इकट्ठा करने के आरोप है। महेश कुमार मिश्रा बीते कुछ सालों से हिंदू योद्धा नाम का अपना संगठन चलाता है। महेश अयोध्या के ही कुछ नौजवान लड़कों को इकट्ठा कर कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। फेसबुक पर अपने विचारों को कट्टरता से रखने वाला महेश कुमार मिश्रा लंबे समय से RSS से भी जुड़ा रहा है। महेश मिश्रा के भाई विशाल मिश्रा की माने तो खबरों के अनुसार वह RSS का पूर्णकालिक सदस्य है। इसके अलावा बजरंग दल में जिला संयोजक के पद पर रहा है, साथ ही VHP यानी विश्व हिंदू परिषद में प्रांत सुरक्षा प्रमुख का पदाधिकारी भी रहा है। दिल्ली और खरगोन में जो हिंसा हुई है उसके बाद महेश के अंदर कट्टरता और बढ़ गई। एक खबर के अनुसार मई 2016 में बजरंग दल के स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में अयोध्या के कारसेवकपुरम में हथियारों बंदूकों के साथ ट्रेनिंग का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुस्लिम धर्म और मुस्लिम लोगों को मारने काटने जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था। इस वीडियो में महेश मिश्रा नजर आया था। वीडियो वायरल होते ही प्रदेश और देश की सियासत गर्म हो गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सामाजिक घृणा फैलाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महेश मिश्रा को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में वाराणसी भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। 27 अप्रैल को BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता। कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन इसमें शामिल हुए थे। छात्रों का कहना है कि BHU में इससे पहले कभी इफ्तार पार्टी आयोजित नहीं की गई थी। इस विवाद के अगले ही दिन विश्वविद्यालय में जगह जगह कुछ भड़काऊ स्लोगन भी लिखे मिले थे। छात्र ऐसे स्लोगन लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ABVP से जुड़े छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। और अब खबर आ रही है कि उन छात्रों ने इफ्तार पार्टी के विरोध में कुलपति आवास के बाहर गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण की बात कही, साथ ही साथ अपना सिर भी मुड़वाया। वहीं BHU प्रशासन की बात करें तो BHU प्रशासन के अनुसार इसकी सूचना पहले ही BHU ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी गई थी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है, दीवारों में इस तरह के किसी जाति विशेष धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और वो कभी भी इस वातावरण को खराब नहीं होने देंगे और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, वह माहौल को खराब करने के लिए लिखे जाते हैं और हम उनकी मंशा को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। सर, नारे लिखे गए हैं उसके नीचे एक संगठन का विशेष नाम लिखा गया, क्या उसके प्रति कार्रवाई? संगठन का जो नाम लिखा गया है वो BMC है, जिसको तथाकथित भगत सिंह मोर्चा कहते हैं। हम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ लोगों को और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये हम देशवासियों को पूरा अपने तरफ से भरोसा देते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे लिख के हमारा वातावरण खराब करने की मंशा हम सफल नहीं होने देंगे। इसके अलावा कुछ और ट्विटर हैंडल है जिस पर यह भी लिखा हुआ है कि BHU में इफ्तार पार्टी बहुत पहले से होती आ रही है, केवल 2 साल तक कोरोना होने की वजह से इफ्तार पार्टी नहीं हुई थी, इस बार फिर से इफ्तार पार्टी हो रही है। उस ट्विटर हैंडल से पहले हुई इफ्तार पार्टियों की तस्वीर भी साझा की गई। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये कार्यक्रम आयोजित क्यों हुआ, जबकि होना ये चाहिए कि हर धर्म के बड़े त्योहारों के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में हर समुदाय के लोगों को बुलाना चाहिए ताकि सभी एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को समझ सकें और सबका सम्मान करें। अन्य महत्वपूर्ण खबरें लेकर आपके बीच में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।